उसने जल्दी जल्दी सभी खिड़की दरवाजे बंद किए। चाहता तो था कि हर वो सुराख भी बंद कर दे जहाँ से लोगों की आवाज़ें भीतर आ सकती हों। फिर भी अपने कानों को बंद करके कमरे के सबसे कोने वाले हिस्से में बैठ गया। फिर भी वो आवाजें उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अबे तेरे को मत कर बोलता है भी। चाल देखी है तेरी। 36 की कमर, 36 की कमर, लड़कियां फेल हैं तेरे आगे। यार तू पहले डिसाइड कर ले। कि तुझे घर घर खेलना है या क्रिकेट। अबे ये क्या डिसाइड कर, पहले ये तो डिसाइड कर ले कि ये लड़का है या लड़की। जाने कितने सालों से इन तानों का विष पान किया है उसने। एक ऐसा विष जो धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा था, उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था, उसे स्वयं से घृणा होने लगी थी। स्वयं को स्वीकार करना असंभव सा प्रतीत होता था। बस अब बहुत हुआ, क्या करना ऐसे जीवन का, उसने फैसला ले लिया। अब वो इस जीवन को समाप्त कर देगा, वो दृढ़ निश्चय कर उठा ही था कि सामने दीवार पर टंगी अर्धनारीश्वर की तस्वीर पर नजर पड़ी। प्रभु के चेहरे पर मुस्कान थी और नीलकंठ उनके मुखमंडल के तेज को और अलौकिक कर रहा था। उसे लगा मानो प्रभु कह रहे हो, देखो मैंने भी विषपान किया है, परंतु मैंने उससे अपने जीवन को प्रभावित नहीं होने दिया। आज यही विष मेरी पहचान है, फिर तू क्यों आपक होता है। जिस दिन तू स्वयं अपनी पहचान को स्वीकार कर लेगा, उस दिन के बाद से तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। उसके मन में कोई संशय नहीं था। उसने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। लोगों की आवाजें अब भी उसके कानों में पड़ती थी, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, उसने स्वयं को स्वीकार कर लिया था।